कराने तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जिनमें शामिल है कई विशेष पहल का विस्तार, जैसे दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक यूविन, स्वास्थ्य पेशेवरों और संस्थानों के लिए एक पोर्टल लॉन्च, हेल्थ केयर में डिलीवरी के लिए इनोवेटिव अप्रोच के तहत ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए हेल्थ एक्शन प्लान तथा सेल्फ केयर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण अभियान का भी शुभारंभ। साथ ही आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ESIC इनकी भी तमाम योजनाएं तथा फार्मास्यूटिकल विभाग की भी विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन व शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन व शिलान्यास करें। सरकार के ये प्रयास मजबूती प्रदान कर रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को। देवी और सज्जनों, केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ वेलनेस को भी गति प्रदान की जाए, जिसके लिए विभिन्न आयाम पर निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों पर आपको कुछ शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहेंगे, जिनमें सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत परियोजनाओं को कैसे सुदृढ़ कर रही है केंद्र सरकार, आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। हेल्थ केयर फॉर ऑल, इस विजन के साथ बीते 10 सालों में देश ने प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर पर अभूतपूर्व बल दिया है। इसी कड़ी में आज धनवंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर एक ही दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 12,855 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेल्थ प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। दिल्ली, भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के फेज 2, IIT दिल्ली और JNU ने आयुर्वेद अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन। एम्स दिल्ली में नेशनल लेवल रिसर्च एंड रेफरल इंस्टीट्यूट फॉर डेंटल साइंसेज, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जन औषधि केंद्र का उद्घाटन, आवासीय भवनों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास। मध्य प्रदेश, मंदसौर, नीमच और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज, भोपाल एम्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एक्सटेंशन, इंदौर में 300 बेड के ESIC अस्पताल का उद्घाटन। शिवपुरी, खंडवा, रतलाम, राजगढ़ और मंदसौर में नर्सिंग कॉलेज और पीथमपुर में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। कर्नाटक, 4 शहरों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक, बोम्मासांद्रा में 200 बेड और नरसापुरा में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। छत्तीसगढ़, बिलासपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन।
केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रायपुर का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स गोरखपुर में डेंटिस्ट्री और कॉर्निया ट्रांसप्लांट ब्लॉक्स का शुभारंभ। मेरठ में 100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है। ओडिशा, बरगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शुभारंभ। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान खोरड़ा का शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश, एम्स बिलासपुर में जन औषधि केंद्र, पल्मोनरी और एंडोक्राइनोलॉजी समेत अन्य सुविधाओं का उद्घाटन, साथ ही एम्स कैंपस में रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और अन्य सुविधाओं का शिलान्यास। कुल्लू और चंबा में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। आंध्र प्रदेश, अच्युतापुरम में 30 बेड के ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास। तमिलनाडु, इरोड, विल्लुपुरम, थेनी, रामनाथपुरम और कांचीपुरम में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। असम, एम्स गुवाहाटी में रेडियोथेरेपी ब्लॉक समेत अन्य सुविधाओं का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल, एम्स कल्याणी में जन औषधि केंद्र, कैथ लैब और हार्ट लंग सुविधाओं का उद्घाटन। बिहार, एम्स पटना में एनआईसीयू, किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर के इलाज के लिए HELA ABC सुविधाओं का उद्घाटन। मणिपुर, थौबल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। हरियाणा, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदाबाद का 500 बेड के साथ उन्नयन। बल्लभगढ़ के फतेहपुर बिलोच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 15 बेड के अस्पताल का शिलान्यास। राजस्थान, 8 शहरों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लोगों को किफायती और उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। देश भर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा, साथ ही आयुर्वेद और नेचुरोपैथी चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। विज्ञान देश के विकास को मजबूत आधार देता है और इसीलिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में अनुसंधान और शोध कार्य यानी रिसर्च और डेवलपमेंट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कैसे ये प्रोजेक्ट्स भी इस दिशा में देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आइए देखते हैं ये फिल्म। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर नाइपर्स में फार्मा मेडिटेक के 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, आयुष स्वास्थ्य योजना में 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण और सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भुवनेश्वर का शुभारंभ हो रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिकल डिवाइस अहमदाबाद, डायग्नोस्टिक्स, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स और इम्प्लांट के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइटो फार्मास्यूटिकल्स गुवाहाटी, हर्बल औषधि के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद बल्क ड्रग्स के क्षेत्र में तकनीकों का विकास करेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल ड्रग डिस्कवरी मोहाली संक्रामक रोगों के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाएगा। IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, JNU और CBRI लखनऊ में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हो रहा है, जहां आयुर्वेद चिकित्सा में नवाचार व अनुसंधान को नया आयाम मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कदमों से शुभारंभ हो रहा है राष्ट्रव्यापी पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण। अब हर नागरिक अपने शरीर का प्रकार जान पाएंगे, उसी के अनुसार आयुर्वेदिक प्रथाओं को अपना सकेंगे। मानव डिजिटल इंडिया आज भारत की ताकत है, जिसका विश्व में डंका बज रहा है। डिजिटल हेल्थ आज एक वास्तविकता बन गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के डिजिटल पहलू पर आइए देखते हैं ये फिल्म। आज का भारत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीब की कमाई के लिए, भलाई के लिए, गरीब की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए करता है। देश का नया यूविन ऐप किसी क्रांति से कम नहीं है। ये ऐप जन्म से लेकर के 16 साल के बच्चे को
और गर्भवती महिलाओं को भी किस दिन कौन सा टीका लेना है वो पूरा रिकॉर्ड रखेगा। इस ऐप से लाभार्थी देश में कहीं भी अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर को लोकेट करके वहां पर जाकर टीका ले सकते हैं। गांव, पहाड़ों, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों तक पहुंच सुगम होगी और देश के किसी भी बच्चे या माता का टीका ना चूके ये टेक्नोलॉजी से सुनिश्चित होगा। इतना ही नहीं, देश भर के टीकाकरण के लाभार्थियों तक स्वास्थ्य कर्मियों को पहुंचने में सहायता मिलेगी। दूर दराज के इलाकों में अब दवाओं की डिलीवरी ड्रोन से भी होगी। वो मरीज जो हॉस्पिटल तक आ नहीं सकते उन टीबी के मरीजों तक दवाएं ड्रोन से पहुंचाना आसान होगा और इससे हम जल्दी से देश को टीबी से मुक्त करवा पाएंगे। पहाड़ी इलाकों में भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज पहुंचाएंगे, ये हेलीकॉप्टर सर्विस की जिम्मेदारी है। साथ ही एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूट्स के लिए पोर्टल तैयार है जो मौजूदा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूट्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के तौर पर काम करेगा। डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए जरूरी हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी डिजिटली ही रिक्रूट किया जाएगा। डिजिटल होते भारत में डिजिटली मिलेगा उपचार, उंगलियों के छोर पर मिलेगा स्वास्थ्य का वरदान।